नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रतियोगिता हाउस में। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास सेवन्थ और इस सीरीज में हमारा एट्थ लेक्चर है। आठवां लेक्चर आज हम करने जा रहे हैं। इससे पहले जितने भी लेक्चर हमने किए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर्स को देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप पिछले लेक्चर्स को नहीं देखेंगे अगले लेक्चर्स का कनेक्शन आपका नहीं बन पाएगा और कुछ चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएगी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय और सब ट्रॉपिकल मतलब उपोष्ण। सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय रीजन जो पाया जाता है पृथ्वी के ऊपर, वहाँ पर ह्यूमन जीवन यानी मानव का जीवन किस प्रकार का है और किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है, वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और वहाँ पर किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, ये सभी इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेजोन बेसिन। यहाँ पर देखिए अमेजोन बेसिन। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि बेसिन होता क्या है। ये बेसिन जो वर्ड यहाँ पर आया है, ये बेसिन क्या चीज़ है, इसको क्या कहते हैं। देखिए, अगर कोई रिवर है, यहाँ पर कोई मेन रिवर आप मान लीजिए फ्लो कर रही है, पहाड़ से निकलकर रिवर समंदर की तरफ फ्लो करती है। रिवर हमेशा पहाड़ से निकलकर समंदर की तरफ, या बात करें तो जो छोटी बे होती है जैसे बे ऑफ बंगाल है उस तरह की, या जो छोटा समंदर होता है जैसे इंडियन ओशियन है, अरेबिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, इस तरह की जो बड़ी जलराशि होती है, पहाड़ से निकलकर नदी इन जलराशियों में समा जाती है। तो उसी प्रकार से बात करते हैं अमेजोन बेसिन की। बेसिन क्या होता है, जो मेन रिवर होती है, मेन रिवर एक घाटी में फ्लो करती है और घाटी में फ्लो करते हुए यानी घाटी में प्रवाहित होते हुए इस मेन नदी में, मुख्य नदी में अन्य छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं और ये छोटी छोटी नदियां लेफ्ट बैंक यानी दाहिने किनारे, लेफ्ट मतलब बाएं किनारे और राइट मतलब दाहिने किनारे पर आकर मिल सकती हैं। तो इस प्रकार जब मेन मुख्य नदी में छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं तो ये एक घाटी का निर्माण करती हैं और इसी घाटी को कहते हैं उस नदी की नदी घाटी, या जैसे अमेजोन नदी की बात करें तो अमेजोन नदी घाटी, गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। तो ये तो थी बेसिन क्या होता है यानी घाटी क्या होता है, नदी घाटी क्या होता है। अब बात करते हैं हम अमेजोन बेसिन की। देखिए अमेजोन नदी है कहाँ पर, ये मैप पर आप नज़र डालिए, यहाँ पर यह है आपका दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट, इसके ऊपर आता है उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट और पनामा स्थल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट को दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट से जोड़ता है, जो यहाँ पर कनेक्ट करता है ऊपर। इसके ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। लेकिन हम बात आज कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट की, और दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी घाटी है जिसको हम कहते हैं अमेजोन बेसिन या अमेजोन नदी घाटी। ये अमेजोन नदी घाटी अमेजोन और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि जो अमेजोन की सहायक नदियां हैं वो कौन कौन से देशों से होकर प्रवाहित होती हैं। देखिए अमेजोन नदी घाटी के अंदर आता है आपका बोलीविया, ये यहाँ पर बोलीविया कंट्री है। उसके बाद आता है आपका पेरू। जहाँ जहाँ पर मैं हाइलाइटर से हाइलाइट करता रहूँगा वहाँ वहाँ पर आप अपनी नज़र ले जाएंगे, ताकि आपको कौन सी कंट्री कहाँ पर है और नदी घाटी किन किन नदियों से मिलकर बनी हुई है और वो नदियाँ कहाँ कहाँ कौन कौन से कंट्रीज से निकल कर आई हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आता देखिए बोलीविया, उसके बाद आता पेरू, उसके बाद इक्वेडोर, उसके बाद कोलंबिया, वेनेजुएला और ये ब्राज़ील। अमेजोन नदी का मुख्य या बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो ब्राज़ील में है, उसके बाद कुछ हिस्सा पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 देश ऐसे हैं जो अमेजोन नदी घाटी को बनाते हैं या अमेजोन नदी घाटी को बनाने में इनकी भूमिका है, क्योंकि बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो इन सभी कंट्रीज से निकलकर
मुख्य नदी अमेजोन नदी में मिल जाती है। अब ये अमेजोन नदी निकलती कहाँ से है, देखिए यहाँ पर है एंडीज पर्वत, मैं इसको कलर को बदल देता हूँ, देखिए आपको समझ में आएगा अच्छे से। अगर आप बात करें ये पूरा जो पोर्शन है दक्षिण अमेरिका का, यहाँ से इक्वेडोर से आप स्टार्ट कर लीजिए दक्षिण, ये जो रेड कलर में मैंने आपको दिखाया है ये है आपका एंडीज पर्वत, और एंडीज पर्वत से निकलती है नदी, कौन सी नदी, अमेजोन नदी, एंडीज पर्वत से निकलती है अमेजोन नदी, और एंडीज पर्वत से निकलकर और इन सभी जो पांच कंट्री मैंने आपको काउंट करवाए हैं, छह कंट्री मैंने आपको काउंट करवाए हैं, इनसे निकलने वाली सहायक नदियों से मिलकर बनता है अमेजोन नदी घाटी का ये जो बेसिन बनती है अमेजोन नदी घाटी, और ये एंडीज पर्वत से निकलकर यहाँ पर आपका आता है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में प्रवाहित हो जाती है, अटलांटिक ओशन में जाकर समा जाती है। तो ये मैंने आपको आइडिया दिया है कि अमेजोन नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन से कंट्री से निकलने वाली सहायक नदियाँ उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, उसकी घाटी को बनाती हैं, और उसका वो कहाँ पर जाके समा जाती है। अटलांटिक ओशन यहाँ पे आता है, ये यहाँ पर अटलांटिक ओशन है पूरा। ओके, अब बात करते हैं जो अमेजोन नदी है। अमेजोन नदी संसार की सबसे बड़ी यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर माना जाता है। 0 डिग्री इक्वेटर इस नदी घाटी के बीचों बीच है। देखिए ये यहाँ पर 0 डिग्री है इक्वेटर, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, और ये इस नदी घाटी के बीचों बीच गुजरती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं अमेजोन रिवर के बारे में, इनको आप याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। उसके बाद कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ और अन्य फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। जो इक्विटोरियल रीजन है या ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पर पाया जाता है क्या, ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, देखिए ट्रॉपिकल रीजन की अगर बात करें तो मैं आपको ये यहाँ पर समझा देता हूँ, एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा ज़रा। हाँ, इसको आप पृथ्वी मान लीजिए, और पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश। ये हमने आपको अक्षांश और देशांतर वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है, अगर आपको डिटेल में उसको जानना है तो वो चैप्टर आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है। अब मैंने आपको बताया था कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी है, 0 डिग्री से 90 यहाँ तक है, और 0 डिग्री से ही 90 इधर तक है। ये यहाँ पर 90 डिग्री, ये नॉर्थ पोल है और ये यहाँ पर साउथ पोल है। तो 0 डिग्री से 10 डिग्री, आप 0 से आगे स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 10 डिग्री यहाँ पर आता है, 10 डिग्री। तो ये जो 10 डिग्री का रीजन है, 10 डिग्री नॉर्थ और वैसे ही 10 डिग्री साउथ, ये 10 डिग्री नॉर्थ और ये 10 डिग्री साउथ। तो ये जो रीजन है इसी को कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसकी क्या खास बात है, इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और साल भर इस रीजन में बारिश होती रहती है, और यही वो रीजन है जहाँ पर अमेजोन नदी घाटी पाई जाती है, या अमेजोन नदी घाटी इसी रीजन में पड़ती है। उसका रीजन ये है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड रीजन बना रहता है साल भर, और साल भर यहाँ पर डेली के डेली बारिश होती रहती है। इसी का रीजन है जो अमेजोन नदी घाटी है वहाँ पर डेली बारिश होती है, और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो दिन के समय में बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, और रात के समय में टेम्परेचर तो लो हो जाता है बट ह्यूमिडिटी वैसी की वैसी बनी रहती है। और इसी का रीज़न है कि वहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं वहाँ के, उनका जो कलर है वो डिफरेंट होता है, उनकी जो स्किन है वो भी डिफरेंट होती है, बिकॉज ऑफ वहाँ पर जो टेम्परेचर है, वहाँ पर जो एनवायरमेंट है उसके कारण से। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे चलते हैं। ये कंट्रीज के नाम मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया और कुछ वेनेजुएला का पार्ट भी आता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ का क्लाइमेट, जैसे अभी मैंने आपको बताया यहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है,
यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। दिन के समय में बहुत ज़्यादा हाई रहता है और रात के समय में भी ह्यूमिडिटी हाई रहती है, टेम्परेचर भले ही वहाँ का लो हो जाए। और रीज़न उसका वही है, ये ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, ये ट्रॉपिकल रीजन 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। ट्रॉपिकल रीजन में होने के कारण यहाँ पर सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिसके कारण से वहाँ पर साल भर बारिश होती रहती है, प्रतिदिन वहाँ पर बारिश होती है, और इसी बारिश के कारण वहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। चलिए अब बात करते हैं लाइफ इन अमेजोन, यानी अमेजोन की जो नदी घाटी है वहाँ पर किस तरह का जीवन पाया जाता है, वहाँ पर किस तरह का जीवन पाया जाता है, वहाँ पर किस तरह के पक्षी, किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेन फॉरेस्ट। ये रेन फॉरेस्ट तो मैंने आपको बताया ही है, क्योंकि साल भर वहाँ पर बारिश होती रहती है, इसलिए वहाँ पर रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। रेन फॉरेस्ट क्यों? क्योंकि जब साल भर वहाँ पर बारिश होगी तो जो वेजिटेशन है वहाँ की वो एकदम से ग्रीन और थिक होगी, घनी जंगल पाए जाएंगे और जो वेजिटेशन है वो वहाँ पर हरी भरी रहेगी और घनी रहेगी। यही रीज़न है कि अमेजोन के अंदर जो अमेजोन नदी घाटी है वहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो अमेजोन, क्योंकि यहाँ पर घनी आबादी वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और यही रीज़न है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो अमेजोन की धरती तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि वहाँ पर उगने वाले जो पेड़ होते हैं, यहाँ पर उगने वाले जो पेड़ होते हैं इनकी पत्तियाँ इतनी घनी होती है कि ये सूर्य के प्रकाश को भूमि तक नहीं आने देती। इसी कारण से यहाँ पर कुछ इसको रूफ भी बोलते हैं। या अगर हम बात करें तो जो अमेजोन नदी घाटी है और अमेजोन में पाए जाने वाले जो जंगल हैं उनको पृथ्वी का लंग्स भी बोलते हैं, यानी वहाँ इतने ज़्यादा घने आबादी वाले जंगल पेड़ पौधे पाए जाते हैं कि उनसे निकलने वाली जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि वो पूरी पृथ्वी के लिए काम में आती है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर ऑर्चिड, ब्रोमिलेट्स, इस तरह के प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और रेन फॉरेस्ट में किस तरह के बर्ड्स पाए जाती हैं, देखिए ये जो बर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे टोकेंस, इस तरह की बर्ड वहाँ पर पाई जाती है टोकेंस। और उसके बाद में हमिंग बर्ड्स, ये देखिए हमिंग बर्ड्स भी वहाँ पर पाई जाती है। और उसके बाद में कलर्ड फ्लेमेज, ये सभी क्या हैं, बर्ड्स के नाम हैं। इन बर्ड्स के नाम भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, देखिए यहाँ पर किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स के देखिए यहाँ पर रेप्टाइल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे क्रोकोडाइल, स्नेक्स, और स्नेक्स में भी पाइथन, एनाकोंडा, बोया, ये एक प्रकार के क्या हैं, स्नेक्स की स्पेसीज हैं। पाइथन, एनाकोंडा और बोया ये स्नेक्स यानी सांप की स्पेसीज हैं, ये भी अमेजोन में पाई जाती है। एनाकोंडा तो आपने मूवीज़ में देखा भी होगा, एक विशाल का स्नेक होता है जो एक क्रोकोडाइल को भी पूरा का पूरा अंदर निगल जाता है। उसके बाद में फिशेज की भी कुछ स्पेसीज पाई जाती है यहाँ पर, ये देखिए जिनको कहते हैं पिराना फिश, वो मांस खाने वाली मछली होती है जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं, आपने देखा ही होगा मूवीज़ वगैरह में या फोटो में देखा होगा, तो ये पिराना फिश वही होती है। उसके बाद ये कुछ जानवर टेपिर इसको बोलते हैं, ये जो यहाँ फोटो दिखाया हुआ है टेपिर, इस प्रकार के जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है, देखिए स्लैश एंड बर्न क्या होता है, स्लैश एंड बर्न, ये देखें यहाँ पर स्लैश एंड बर्न क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अमेजोन जंगल बहुत ही घना जंगल है, लेकिन मनुष्य की ज़रूरतों के हिसाब से और समय बीतने के हिसाब से जैसे जैसे मनुष्य की ज़रूरतें बढ़ती गई वैसे वैसे मनुष्य ने इस जंगल को काटकर अपने लिए खेती योग्य भूमि, रहने योग्य भूमि बनाना शुरू किया। तो ये घना जंगल अब क्या हो गया, ये घना जंगल अब उतना घना नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य ने अपने आप को बसाना स्टार्ट कर दिया है, इसको काट कर यहाँ पर खेती योग्य भूमि बनाई है, अपने आप को बिल्डिंग्स, अपने इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगा रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है, इसका परिणाम ये हुआ कि जो घना जंगल था वो उतना घना नहीं रहा। तो जो आदिवासी लोग थे पहले या अभी के टाइम में जो लोग हैं, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, वो इस जंगल को काट कर वहाँ पर खेती योग्य भूमि बना लेते हैं और कुछ समय तक वहाँ पर खेती करते हैं, लेकिन
वो जो खेती है वो हमेशा उसके अंदर पाए जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं, भूमि के अंदर पाए जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कुछ समय बाद जब हम खेती उस पर करते रहते हैं वो न्यूट्रिएंट्स वहाँ से कम हो जाते हैं। तो जब वो न्यूट्रिएंट्स उस भूमि के अंदर कम हो जाएंगे तो वहाँ पर जो लोग हैं वो उस खेती को छोड़कर, यानी इस जमीन को छोड़कर जहाँ पर उन्होंने पेड़ पौधे काट कर खेती करना शुरू किया था, इसको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे और दूसरी जगह जाकर इसी प्रकार से जंगलों को काट कर खेती योग्य भूमि बनाते हैं। तो क्या होता है, ये जमीन तो हो गई बेकार, क्योंकि यहाँ पर तो अब वेजिटेशन होगी नहीं, यहाँ पर तो अब खेती होगी नहीं, तो वो क्या करेंगे, अब यहाँ से चले गए इस वाले पोर्शन में। तो अब क्या करते हैं वो, इस यहाँ पर जंगलों को काट कर यहाँ पर भूमि को खेती योग्य बनाएंगे और जब ये भी ऐसे ही अनुपजाऊ हो जाएगी तो यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, दूसरी जगह पर चले जाएंगे। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं स्लैश एंड बर्न, यानी जब खेती पेड़ों को काट कर खेती योग्य भूमि बनाते हैं, वहाँ पर खेती करते हैं और उसके बाद जब वो अनुपजाऊ हो जाती है तो दूसरी जगह आगे बढ़ जाते हैं, तो पिछली जो भूमि है वो हो जाती है अनुपजाऊ और एक समय के बाद ये जो पहली वाली भूमि को छोड़कर ये लोग गए थे, ये भी एक समय के बाद कुछ भूमिगत क्रियाओं के द्वारा ये भी उपजाऊ हो जाती है। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है और इसी को कहते हैं क्या, स्लैश एंड बर्न। ये फैक्ट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई एग्जाम देंगे, तो यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस का एग्जाम हो या अन्य कोई एग्जाम हो, तो इस तरह की टर्म्स एनसीईआरटी से निकाल कर हमेशा एग्जाम के अंदर देता है और वो आपसे पूछ लेगा कि स्लैश एंड बर्न ये टर्म है वो क्या है, उसका क्या मीनिंग है, और वहां पर आपको चार ऑप्शन दे देगा और उन चार ऑप्शन फिर ये, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं इस तरह के ये किसी भी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये फैक्ट्स केवल और केवल आपको एनसीईआरटी में ही देखने को मिलेंगे, इसलिए इस तरह के जो फैक्ट्स होते हैं एनसीईआरटी में उनको भी याद कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, लाइफ इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। देखिए मैंने आपको बताया था जिस प्रकार से अमेजोन बेसिन था उसी प्रकार से हमारा गंगा का बेसिन है, उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र का भी बेसिन है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि गंगा, सबसे पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बेसिन की। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर गंगा नदी तंत्र, यह गंगा नदी कहाँ से निकलती है मैं वो आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए गंगोत्री उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ पर आप नजर डालिए, गंगोत्री उत्तराखंड में पड़ता है, यह आपने सुना ही होगा। तो गंगोत्री से एक नदी निकलती है भागीरथी नदी और यहाँ पर एक है सतोपत, ये सतोपत क्या है, ग्लेशियर है। तो सतोपत ग्लेशियर से दो नदी निकलती है, एक धौली गंगा और दूसरी विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों नदी विष्णु प्रयाग में आकर मिल जाती हैं और ये बन जाती है कौन सी, अलकनंदा नदी। यानी दोबारा फिर बता देता हूँ, सतोपत हिमानी, ये सतोपत ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा आकर मिल जाती हैं विष्णु प्रयाग में और वहां से ये बन जाती हैं अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है और कर्णी प्रयाग में पहुंचती है तो वहां पर पिंडार नदी आकर उसमें मिल जाती है। कर्ण प्रयाग से आगे बढ़ते हुए रुद्र प्रयाग आता है और रुद्र प्रयाग में आकर मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है। यानी विष्णु प्रयाग से अलकनंदा शुरू होती है, उसके बाद इसमें पिंडार नदी आकर मिलती है कर्ण प्रयाग में और मंदाकिनी नदी आकर मिलती है रुद्र प्रयाग में। उसके बाद जब ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और गंगोत्री से निकली हुई भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और ये दोनों आकर कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में आकर मिलने के बाद ये बन जाती है गंगा नदी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि जो गंगा नदी है वो गंगोत्री से निकली हुई गंगा नदी नहीं है, उसके पीछे ये एक पूरी एक जाल है नदियों का जो मिलकर बनाता है किसको, गंगा नदी को। उसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है और आगे प्लेन में एंटर करती है कहाँ, हरिद्वार में। यहाँ पर हरिद्वार है यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर। अगर क्वेश्चन आता है कि जो गंगा नदी है वो प्लेन में कहाँ एंटर करती है, यानी प्लेन में मैदानी भाग में कहाँ पे प्रवेश करती है, तो हरिद्वार वो जगह है जहाँ पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है गंगा नदी। अब बात करते हैं गंगा नदी बेसिन। अभी मैंने आपको बताया था बेसिन होता है नदी घाटी और नदी घाटी में काफ़ी नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ मुख्य नदी में आकर मिल जाती हैं। तो गंगा नदी में आकर कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, देखिए सबसे पहले इधर से आप बात करें, स्टार्ट करते हैं, चलते हैं लेफ्ट, यहाँ पर आती है आपकी रामगंगा, उसके बाद गोमती,
घाघरा, गंडक और कोसी। ये सीरीज भी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है कि क्वेश्चन आएगा कि गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली इन मुख्य नदियों को सीरीज में यानी उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए क्रम में लगाइए, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आता है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। उसके बाद बात करते हैं गंगा नदी के राइट बैंक यानी राइट कॉर्नर पर आकर मिलने वाली नदियां यानी दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियां। सबसे मुख्य नदी है इसमें यमुना नदी, यहाँ पर आकर मिलती है यह इलाहाबाद में। उसके बाद आता है आपका चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स और सोन। ये सीरीज आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से लेफ्ट और राइट बैंक किनारे पर आकर मिलने वाली ये जो नदियां हैं ये बनाती है गंगा नदी घाटी। और उसके बाद गंगा नदी बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। और फिर ये पद्मा नदी आगे बराक नदी से मिलती है तो उसका नाम हो जाता है मेघना नदी। और फिर ये मेघना नदी आके कहाँ मिल जाती है, ये मेघना नदी आके मिल जाती है आपका बे ऑफ बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में। तो ये हमने बात किया गंगा नदी तंत्र की। अभी हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील कहाँ पर है? मानसरोवर झील अगर आप ये इंडिया की बात करें तो देखिए ये यहाँ पर मानसरोवर झील है, ये पूरा चाइना है यहाँ पर, ठीक है, ये चाइना है। तो ये चाइना में पड़ता है, तिब्बत में क्या पड़ता है, मानसरोवर झील। यहाँ मानसरोवर झील, राक्कस ताल, ठीक है, यहाँ से आपकी सतलज नदी भी यहीं से निकलती है, आपकी सिंध नदी, सिंधु नदी भी आपकी यहीं से निकलती है। ये जो झील है यहाँ पर, यहाँ से तीन नदियाँ निकलती हैं, नंबर एक सिंधु नदी, नंबर दो सतलज नदी और नंबर तीन मानसरोवर, मानसरोवर झील से ही नंबर तीन पे है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी की अभी हम बात करते हैं। तो मानसरोवर झील से निकलकर चाइना में इसको बोलते हैं सांगपो। चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं सांगपो। और ये नदी यहाँ से प्रवाहित होते हुए जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, कहाँ से, दिहंग गार्ज। अब ये गार्ज क्या होता है, देखिए ये एक माउंटेन है, पर्वत है। तो नदी जब इस पर्वत को बीचों बीच काट कर, नदी बहते हुए प्रवाहित होते हुए इस पर्वत को जब बीचों बीच काट देती है तो यहाँ पर एक घाटी का निर्माण हो जाता है। यानी ये घाटी के नीचे से नदी बहती है और उसके दोनों तरफ ये ऊंचे ऊंचे पर्वत इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं और बीच में ये नदी बहती रहती है। तो इसी को कहते हैं गार्ज, यानी पर्वत को काट कर जब नदी अपना रास्ता बनाती है उसको कहते हैं गार्ज। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो कहाँ से एंटर करती है, दिहंग गार्ज से एंटर करती है। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पर आके अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है, दिहंग नदी कहलाती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होते हुए क्या कहलाती है, दिहंग नदी। इसी दिहंग नदी में दिबांग और लोहित दो नदी आकर मिल जाती है। दिबांग और लोहित, ये जो नदियों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, सहायक नदियों के नाम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस एग्जाम में इनसे आते रहते हैं। जो दिहंग नदी में दिबांग और लोहित दो नदियां आकर मिल जाती हैं, सदिया दो नदियां आकर मिल जाती है यहां पर। तो दिहंग उसके बाद ये एंटर करती है, यही अरुणाचल प्रदेश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है कहां पर, असम में। ये पूरा असम है यहां से यहां तक, यहां पर है सदिया और यहां पर है धुबरी। तो असम में ये सदिया असम में पड़ता है और ये धुबरी भी असम में पड़ता है। तो सदिया से धुबरी तक ये नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी नौकागम्य कहलाती है, यानी यहाँ पर नौकायन चला सकते हैं। इसी नदी के बीच में एक पड़ता है माजुली द्वीप। ये जो ब्लैक डॉट आप देख रहे हैं यही है माजुली द्वीप, ठीक है। माजुली क्या है, माजुली एक नदी द्वीप है, यानी नदी में एक द्वीप है, इसलिए यह संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी कहा जाता है माजुली द्वीप को। असम में पड़ता है, नदी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा द्वीप है जहां पर पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको माजुली जिला कहते हैं। तो यह संसार का सबसे बड़ा नदी जिला भी बोला जाता है माजुली द्वीप, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये धुबरी है यहां पर। धुबरी के बाद आपका ये बांग्लादेश शुरू हो जाता है यहां पर पूरा। धुबरी के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इसका नाम हो जाता है जमुना।
बांग्लादेश में इसको कहते हैं जमुना। जमुना में आकर मेघना नदी, यानी मणिपुर से निकली हुई ये जो मेघना नदी है ये जमुना में आकर मिल जाती है। और जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा। तो जमुना नदी और पद्मा नदी आपस में मिल जाती है, ठीक है, उसके बाद इसका नाम हो जाता है पद्मा। और इस पद्मा नदी में मेघना नदी आकर मिल जाती है, तब इसका नाम हो जाता है मेघना नदी। और लास्ट में फाइनली ये मेघना नदी क्या बनाती है, ये बनाती है सुंदरबन डेल्टा। और ये कहाँ गिर जाती है आकर, बंगाल के खाड़ी में। तो ये बहुत डिटेल में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र मैंने आपको बता दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र में इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप इसको डिटेल में अच्छे से कर लेंगे, याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, तो इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में इससे अलग कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर नंबर 8 हमने फिनिश कर लिया है और बड़े डिटेल में मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और अमेजोन नदी तंत्र को मैंने आपको समझा दिया है। इस चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप दोबारा से अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से रिवाइंड करके इसको आप देख लीजिए, सुन लीजिए, ये आपको बहुत काम आने वाला है। उसके बाद में कुछ इसमें और फैक्ट्स हैं, जैसे गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, किस तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं, इंडस्ट्रीज किस तरह की है वहाँ पर, ये हम आने वाले चैप्टर्स में भी कवर कर लेंगे। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो नदियों के किनारे या मैदानी क्षेत्र में इसलिए लगाई जाती हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो सके। वहाँ पर खेती योग्य भूमि बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि होती है, वहाँ पर खेती बहुत बढ़िया होती है, बहुत सारे अनाज, बहुत सारे दालें, बहुत सारे कैश क्रॉप्स होता है, जैसे शुगर केन यानी गन्ना कैश क्रॉप में आता है। तो इस तरह की जो फसलें होती हैं वो इन नदी घाटियों में उगाई जाती है, पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है, यानी जनसंख्या घनत्व इन नदी घाटियों में बहुत ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने योग्य वातावरण अच्छा है, खाने पीने योग्य चीज़ें अच्छी हैं, खेती करने योग्य भूमि उपजाऊ है। यही सब रीज़न है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन यानी घनी आबादी वाला क्षेत्र इसको माना जाता है। बहुत सारे जानवरों का भी यह आवास होता है, जैसे अगर हम बात करें असम में तो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे, मानस नेशनल पार्क है वहाँ पे, और गंगा नदी घाटी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। तो यही सब रीज़न है कि ये बहुत ही सुगम क्षेत्र माना जाता है, जो नदी घाटियाँ होती है बहुत ही सुगम क्षेत्र माना जाते हैं, जीवन के योग्य भी होता है, फसलों के योग्य भी होता है, और इंडस्ट्रीज यानी हमारे जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उसके योग्य भी ये क्षेत्र माना जाता है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चंस, कौन सा क्वेश्चन आता है, टोकेंस आर ए टाइप ऑफ, टोकेन किसका प्रकार है, ये मैंने आपको अभी बताया था टोकेन किसका प्रकार है। देखिए क्या था टोकेन, टोकेन एक बर्ड का नाम है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, अमेजोन, ठीक है, अमेजोन में पाया जाता है, टोकेन एक बर्ड का नाम है। मोनिया की द स्टेपल फूड ऑफ, ऑब्वियसली अमेजोन का है। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर, कोलकाता कौन सी रिवर पर है, हुगली रिवर पर है। देवदार एंड फायर आर अ टाइप ऑफ, देवदार और ये फायर किसके प्रकार हैं, कॉर्निफेरस ट्रीज, ये पिछले चैप्टर में जो वेजिटेशन वाला चैप्टर था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, शंकुधारी वन इनको बोलते हैं, और ये हमेशा ढाल वाले क्षेत्रों पर पाए जाते हैं यानी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर इज फाउंड इन, बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, डेल्टा एरिया, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, सुंदरबन डेल्टा आपका पाया जाता है बांग्लादेश। और कौन कौन सी नदियाँ बनाती है सुंदरबन डेल्टा, आपकी गंगा और इधर से आ रही जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये दोनों मिलके बनाती है सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं, कॉटन टेक्सटाइल, मोलेका क्या है, मोलेका एक सेलेंटिंग रूफ है, मोलेका सेलेंटिंग रूफ यानी एक प्रकार के घर होते हैं मोलेका, ठीक है, तिरछे घर, ये घर इस प्रकार के बनाए जाते हैं
ताकि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इन पर पानी नहीं रुक पाता, पानी प्रवाहित यानी नीचे बह जाता है और इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सकते हैं। तो एक प्रकार के घर अमेजोन के जंगलों में पाए जाते हैं, इस प्रकार के घर मोलस्का। पिराना, पिराना एक फिश है, मैंने आपको बताया था, जो मांस खाती है। काजरंगा, ये नेशनल पार्क है, आसाम में पाया जाता है। मानस नेशनल पार्क भी असम में ही पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, दो बच गए आपके, कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पाया जाता है? कॉटन टेक्सटाइल आपका पाया जाता है सिल्क वॉर्म, ये सेरिकल्चर से संबंधित है। और कॉटन टेक्सटाइल गंगा या वाराणसी, इसमें थोड़ा डाउट है, ये मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। गंगा इसमें आएगा या फिर वाराणसी इसमें आएगा, ये क्लियर करके बता दूंगा, इस पर आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर था चैप्टर नंबर 8। इसके बाद केवल एक ही चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 9 क्लास 7th NCERT में। और ये क्लास 7th की NCERT एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद में फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th की NCERT, और ये जर्नी इसी प्रकार से चलती रहेगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन इसी तरह से अच्छी से चलती रहे और स्टेप बाय स्टेप एक एक NCERT को आप लोग कवर करते रहे मेरे साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।